निंदा करना, संवेदना व्यक्त करना, ये काफ़ी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मंच से, हर कार्यक्रम में, हर क्षण हर वक्त उस घटना को याद किया जाए और उसको समझने की कोशिश की जाए कि ये कौन सा गठजोर है। और उस गठजोर में पुलिस भी शामिल है। और मैम बोल रही थी कि बकरा मत बनिए। मैम अपने पुलिस का अनुभव बता रही थी, मैं अपने कैदी होने का अनुभव बताता हूँ कि बकरा मत बनिए, ये सही बात है, लेकिन पुलिस तो सबसे बड़ा बकरा है। ये कैसे कि SHO साहब रात में मेरे साथ थे, जब वो तथाकथित नारेबाजी की घटना हुई उसके बाद SHO साहब ने कहा कि कन्हैया इसको किसी तरह से शांत करा दो। उस वक्त नारेबाजी नहीं हो रही थी, लोग गाना गा रहे थे। हमने कहा ठीक है, शांत करा देते हैं, जहाँ गाना चल रहा हो वहाँ भाषण शुरू कर दीजिए, लोग अपने आप भाग जाएंगे। तो SHO साहब मेरे साथ थे। SHO साहब के पास जो है उस दिन 250 पुलिस बल था और SHO साहब ने कोई FIR नहीं किया था हम लोगों के खिलाफ। फिर ये FIR हुआ कैसे, किसका फोन आया और किसके कहने पे लोगों को बकरा बनाया गया? तो पुलिस लोगों को बकरा बनाने से पहले खुद बकरा बन जाती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ मैम कि मेरे घर में कोई SP नहीं है, लेकिन सिपाही की नौकरी करते हैं मेरे भाई, फौज में भी हैं। एक बार हमने उसको पूछा कि तुम वहाँ जब नौकरी करते हो तो बताओ कि तुम्हारे साथ बंदूक लेकर के कोई करोड़पति का बेटा है क्या, जो लिवाइस का जींस पहनता हो और 20,000 का मोबाइल रखता हो? बोला आज तक नहीं मिला है। हम बोले हो सकता है कि वो ऑफिसर हो? बोला नहीं, मुझे लगता है कि ऑफिसर में भी ऑफिसर के ही बच्चे ऑफिसर होते हैं, कोई करोड़पति का बच्चा ऑफिसर नहीं होता है। क्योंकि आप देखे होंगे धीरू भाई अंबानी का पोता है जो आजकल कह रहा है रिलायंस मेरी जान है, वो फौज की नौकरी नहीं करता है। तो हम कम से कम मामला तो बड़ा जबरदस्त है कि सिपाही बने हम किसान के बच्चे और गोली किस पे चलाए, आदिवासियों पे। और आदिवासियों पे किताब कौन लिखेंगे, जो लंदन में बैठे हुए। क्या बात है, क्या बात है कि जो आदिवासी का जमीन छीन रहे हैं वो भी लंदन में बैठे हुए हैं और हम किसान के बच्चों को बंदूक थमा दिया है कि इनके ऊपर गोली चला, जो जमीन छीन रहे हैं। और जो किताब लिख रहे हैं वो भी लंदन में बैठे हुए हैं और दोनों के बच्चे हार्वर्ड में पढ़ते हैं। कितना मजेदार है। लोकतंत्र बचाने चले हैं तो लोकतंत्र को समझना बहुत जरूरी है। और मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका डिफिनेशन पढ़ करके नहीं आया, मैं एक अनुभव आपसे बताता हूँ। और मैं प्रधानमंत्री की तरह यह भी नहीं कहूँगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए, मैं पढ़े लिखे लोगों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किताब में हर चीज लिख दी गई हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी बात को जानने के लिए आपको जगमति सरमान के साथ हरियाणा भी जाना पड़ेगा, ये भी एक बात है। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं तो आप फील्ड ट्रिप का महत्व तो समझते होंगे। लोकतंत्र प्रयोगशाला में गही जाने वाली रसायन शास्त्र का कोई फॉर्मूला नहीं है, यह समाज में गढ़ा जाता है। और समाज में जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो लोकतंत्र महज चुनाव में वोट देना, किसी को चुनना, पॉलिटिकल पार्टी का नेता होना, यही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले खुद से होती है। लोकतंत्र के साथ असहमति की बात की जा रही है तो मैं अपना एक अनुभव आपसे साझा करता हूँ। अचानक से मोदी जी की कृपा से मैं थोड़ा फेसबुक पर पॉपुलर हो गया तो कुछ लोग जो है वहाँ पे फॉलो करने लगे और मैं अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगा। तो अक्सर जब मेरे खिलाफ कोई कुछ लिखता था तो मुझे लगता था कि 1,000 पेंडिंग रिक्वेस्ट है फ्रेंड का, क्यों ना इसको अनफ्रेंड कर दिया जाए। ये है असहमति को बर्दाश्त नहीं करना। इसीलिए जब आप लोकतंत्र बचाने की बात कहते हैं तो सबसे पहले खुद को लोकतांत्रिक बनाइए और एक बाप होने के नाते ये तय कीजिए कि आप तय नहीं करेंगे कि आपकी बेटी और आपका बेटा किससे ब्याह करेगा। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप लोग कांग्रेस में, अगर आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपकी पत्नी कैसे रहेगी और आपके परिवार का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब लोकतंत्र की पहली इकाई मनुष्य
लोकतंत्र की दूसरी इकाई परिवार और लोकतंत्र की तीसरी इकाई समाज होता है और समाज में ही राजनीति होती है। जब लोग लोकतांत्रिक नहीं होंगे, परिवार लोकतांत्रिक नहीं होगा, समाज लोकतांत्रिक नहीं होगा, तब आप चाहते हैं कि राजनीति लोकतांत्रिक हो जाए। कैसे होगा? नेता आपके घर में रखा हुआ वह डस्टबिन की तरह है जिसमें आप अपना ही कचरा फेंकते हैं। आपके किचन में जो डस्टबिन रखा होता है उसमें क्या आप अपने पड़ोसी का कचरा फेंकते हैं? कि आप जो बनाते हैं, जो उसका बचता है, वही अपने डस्टबिन में फेंकते हैं। जिसको आप नेता कह करके अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना चाहते हैं, वो आपका ही नेता है, याद रखिएगा इस बात को। और इस बात को समझना आज बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र खतरे में क्यों है, क्योंकि आज असहमति की जगह नहीं बची है। और असहमति की जगह को सबसे पहले हमने ख़त्म किया, और जब हमने ख़त्म किया तो हम वैसे व्यक्ति को अपना नेता मान लेते हैं जो किसी से सहमत होने को तैयार नहीं है। 4 साल हुए हैं सरकार को, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाना चाहता हूँ कि राजधर्म निभाइए। अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हो गए, ये सरकार में आ गए। ये कैसे हुआ कि जिसका माइक पकड़ करके ये रैलियों में घूमते थे, आज उसको सन्यासी बना करके छोड़ दिए। अब की बारी अटल बिहारी, राष्ट्र के ये तीन धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी बीमार हो गए, आडवाणी जी जो है मतलब हमेशा के लिए वेटिंग में चले गए हैं, और मुरली मनोहर जी को पता नहीं है कि अगली बार सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये होता कैसे है? हमारे आपके बीच में क्या पत्रकार नेता नहीं बनता है? सब पार्टी में घूम के देख लीजिए, एक एक बड़ा पत्रकार आपको सांसद और मंत्री बना हुआ दिख जाएगा। क्या एक एडमिशन नेता नहीं होता है? क्या जो है फिल्मकार नेता नहीं हो रहे हैं? अब तो मजेदार बात यह है कि सेना, जिसके बारे में साफ साफ कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, उसके पूर्व अध्यक्ष जो है वो मंत्री बने हुए हैं। पाकिस्तान बनने की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में पहली बात तो ये है कि राजनीति खराब चीज है, नेता होना खराब बात है, राजनीति हमको नहीं करनी चाहिए, हम तो निष्पक्ष बने रहेंगे, हम तो बढ़िया एकेडमिशियन होना चाहते हैं, हम बढ़िया सोशल एक्टिविस्ट बन करके रहेंगे, हम बहुत लाजवाब फिल्म मेकर बनेंगे, तो खूब बढ़िया क्रिकेट खेलिए और देश का चैलेंज लेने के बजाय प्रधानमंत्री को चैलेंज दीजिए। यही चल रहा है। जब नागरिक समाज पूरे के पूरे नागरिकों को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तब नागरिक समाज की भूमिका डेमोक्रेसी के अंदर न्यूनतम हो जाती है। और जब नागरिक समाज की भूमिका डेमोक्रेसी के अंदर न्यूनतम हो जाती है, तब लोकतंत्र के अंदर तानाशाह पैदा होता है, और वो तानाशाह जो है किसी भी असहमति को बर्दाश्त नहीं करता है। तो सबसे पहली बात कि इस इंक्लूसिव इंडिया के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है इस प्रोग्राम को इंक्लूसिव बनाए रखने की कोशिश की है। हालांकि वहां बैठकर मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था तो यही सोच रहा था कि मैं बोलूं क्या, और हॉल के लिए बोलूं कि हॉल के बाहर के लिए बोलूं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जो हॉल में बैठे हैं और जो हम हॉल के लिए बोलते हैं, जो हॉल से बाहर एक बहुत बड़ी आबादी है उससे कनेक्शन नहीं होता। कम्युनिकेशन के जमाने में हम इतने आइसोलेशन में चले गए हैं कि हमारी जिंदगी फेसबुक के उस विकल्प की तरह है कि या तो आप लाइक कीजिए या कमेंट में गाली देकर के आगे बढ़ दीजिए। डिसलाइक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, या आप ये ना कह सकें कि आपके आधे पैराग्राफ से हमको हम लाइक कर रहे हैं और आधे पैराग्राफ को हम डिसलाइक कर रहे हैं। ऐसा पोलराइजेशन का दौर है, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। ऐसा नहीं होता है समाज, और ऐसा समाज को नहीं होना चाहिए। और इसीलिए पर्सनल, पॉलिटिकल और सोशल, इसके बीच का जो एक अंतर है वो अंतर इतना घालमेल हो गया है कि आज आप एक सही पोजीशन लेने की स्थिति में नहीं है। मसलन कि ये बात सही है कि एक प्रधानमंत्री के बखान के तौर पर जो मोदी जी के बारे में कहा गया उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए,
अगर वो आदमी चाय बेचा है तो मुझे डाउट है। अगर वो चाय बेचा हो तो एक चाय बेचने वाले का बेटा यदि देश का प्रधानमंत्री हो तो ये तो लोकतंत्र की सफलता है। अगर इस देश के अंदर जिसको बहुत शानदार अंग्रेजी नहीं आती हो, जिसको बोलने के लिए जीभ बहुत टेढ़ा करना पड़ता है, इसके बावजूद भी यदि वो सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा सुना जाता हो तो ये अच्छी बात है, ये तो लोकतंत्र की जीत है। एक साधारण कार्यकर्ता, मैंने कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं और कुल्लू में चुनाव जीतना चाहते हैं, वो कुल्लू में पॉलिटिक्स करके आज दिल्ली के 7 रेस कोर्स में बैठा हुआ आदमी है। तो एक साधारण कार्यकर्ता यदि देश का प्रधानमंत्री बन जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच में ऐसा हुआ है क्या? मैं यहाँ आपकी बात से सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री को बकरा बनाया गया है, और वो बकरा बने हैं किसके? वो बकरा बने हैं इस देश के अंबानी और अदानी के, और इसीलिए ना उनको ये दर्द मालूम है कि चाय बेचना क्या होता है, ना उनको ये मालूम है कि ट्रेन में तीसरे दर्जे में यात्रा करना क्या होता है, इसलिए वो नहीं समझते हैं कि 90 साल की माँ का तकलीफ क्या है। आपकी राजनीति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आप अपने वोट के लिए अपनी 90 साल की माँ को एटीएम के लाइन में खड़े कर देते हैं तो आप एक अच्छा बेटा नहीं हो तो आप अच्छा प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकते। ये लेकिन इस स्थिति में जनता उनके साथ क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए है कि कोई अगर मुझे कहे, अगर मैं पॉलिटिकली चीजों को देख नहीं रहा हूं, अगर मैं जेएनयू में पढ़ा नहीं होता, जेएनयू में तो 8,000 लोग पढ़ते हैं, देश की आबादी प्रधानमंत्री जी के सही आंकड़े के हिसाब से 125 करोड़ से ज्यादा, हालांकि एक जगह बोल दिए थे 600 करोड़ लोगों ने बोला। तो ये जो है उसमें लोग जब पॉलिटिक्स को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो किससे कनेक्ट करते हैं? मोदी जी आज इस पूरे देश के ट्रोलरों के मुखिया हैं, वो सबसे बड़े ट्रोलर हैं। इसीलिए आप देखिए उनका भाषण नहीं होता है, वो ट्रोलरों को कंटेंट दे रहे होते हैं कि जाओ मेरे फूड सोल्जरों, यही जाकर के लिखो। आप खोल दीजिए कि गरीबी की बात कहेगा तो क्या 4 साल पहले गरीबी नहीं थी? तो जवाब आप कह दीजिए महंगाई की बात कहेगा कांग्रेस के समय में महंगाई नहीं थी? ऐसे जो दौर पैदा किए गए हैं, इस दौर में क्या हुआ है आखिर? हुआ ये है कि डिसेंट को रखने के लिए एक बहुत ही तेज माध्यम आ गया है हमारे पास। गांधी भी अगर आज हुए होते ना तो उनको ट्रोलर बोल बोल करके देशद्रोही साबित किया होता। उस वक्त तो कम्युनिकेशन था ही नहीं ना, जब गांधी हुए कितने लोग अखबार पढ़ते होंगे? कुछ हजार। टीवी तो था ही नहीं, तो गांधी जी को भाषण देते हुए कोई सुना ही नहीं तो उनका भी फैक्ट पकड़ करके अभी तक जो है उनको अज्ञानी साबित कर दिया होता है। ये जो डिसेंट के दौर में, कम्युनिकेशन के दौर में लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिला है, वो सिविल सोसाइटी में अपने दखल को बढ़ा रहे हैं। उसको देखिए साहब, राजदीप साहब रोज टीवी पे जाकर के रिसर्च करके कुछ बोलते होंगे। एक आदमी है जो सिर्फ गाली देकर के प्रधानमंत्री से हाथ मिला लिया है, और सिर्फ प्रधानमंत्री से ही नहीं, इस देश के सभी नेताओं के साथ फोटो जो है उसको आपको दिख जाएगा। उसकी क्वालिटी क्या है? तो दिन भर जो है एक ऑफिशियल अकाउंट से लोगों को ट्रोल करते हैं, कभी इस पार्टी के लिए ट्रोल किया, कभी उस पार्टी के लिए ट्रोल किया। एक महिला है, मैं तो उसको सोचता हूं कभी कि आखिर वो इतना इतना कंटेंट एंटी विमेन लाती कहां से है? तो वो एम्बिशन है, और वो एम्बिशन को वो पूरा होता हुआ देख रही है कि वो ट्विटर पे लोगों को गाली दे दे करके, अपने डिसेंट के राइट का मिसयूज कर करके वो आज टीवी पैनल में एनालिस्ट बन गई है। इतना अच्छा करियर कहीं मिलेगा आप बता दीजिए तो? कितना मेहनत कीजिएगा आप, पीएचडी कीजिए, पढ़िए, लिखिए, सोचिए, समझिए, लेकिन वो लोग जो है टीवी पैनलिस्ट बन गए हैं गाली देकर। डिसेंट का जो ये विकृत रूप है डेमोक्रेसी के अंदर, उसको आपको समझना पड़ेगा। और यह जो एनर्जी है कम्युनिकेशन की, ये किस तरीके से मिसयूज की जा रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं पिछड़ा हूं, लेकिन पिछड़ों के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है, कोई आयोग नहीं बनाया है, कोई नया फेलोशिप शुरू नहीं किया है, कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खोला है जहां पिछड़ों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया हो, लेकिन लोगों के बीच में एक इमोशनल जो इशू है उसको दे दिया गया है, और जो इमोशनल लोग हैं
उनके पास आज डिसेंट करने को कम्युनिकेशन है और वो कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं। और पोलराइजेशन के इस दौर में स्थिति ये है कि एक पत्रकार ने लिखा अपने प्रोफाइल में कि मेरे विचार व्यक्तिगत हैं, संस्थान के नहीं। मतलब स्टूडियो में जो बोलते हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ हो सकता है कि हम सरकार की नीतियों का विरोध करें, लेकिन बाकी जगह हम मोदी मोदी करेंगे, क्योंकि वहाँ से निकल करके हो सकता है राज्यसभा के हम भी एमपी बन जाएं। ये सब कैरियर है, और उस कैरियर के पीछे जो है जनता दीवानी है, क्योंकि उसको क्या लग रहा है, मेजोरिटी। उसको समझ में आता है कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटी होता है। लेट्स एक्सप्लेन द डेमोक्रेसी इन दिस हॉल। डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटी होता है। तो यहाँ तो हम सब लोग बैठ गए हैं, अब हम एक नियम बना देते हैं कि यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं सो बैठे हुए हैं, इसके बाद जो भी उस गेट से अंदर आएगा उसको लाल जूता पहनना पड़ेगा। वोटिंग करा लेते हैं, तो जो ऑलरेडी बैठा हुआ है वो तो चाहेगा ना कि हमारा सीट यहाँ बचा हुआ है, तो आगे और किसी को घुसने नहीं दिया जाए। और ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने रेल की यात्रा कभी की होगी तो आपको समझ में आएगा कि जनरल बॉगी में एक सीट पे चार लोगों को बैठने के लिए सीट आवंटित किया गया है रेलवे के द्वारा। रेलवे को पता है कि बुकिंग काउंटर से जो है कितने टिकट बुक किए गए हैं, लेकिन जनता वहाँ कितनी पहुँचती है, 8 गुना 10 गुना 12 गुना। फिर क्या होता है, जो सबसे पहले डब्बे में घुस जाता है वो दो जगह कब्जा करता है, ऐसे करके एक रुमाल फेंक देगा एक ढेर फेंक देगा। उसके बाद दूसरा ऐसे कैसे होगा, ये देश में जो है क्या है, ये आपके जो है ऐसे थोड़ी चलेगा, हमको भी बैठने दीजिए। तो वो कहेगा ठीक है आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, अब वो भी थोड़ा फैल के बैठ जाएगा। तीसरा आदमी आएगा, अब लड़ने वाला दो है, नहीं नहीं यहाँ जगह नहीं आया, ऑलरेडी दो लोग बैठे हुए हैं, अरे महाराज थोड़ा सा जगह दे दीजिए बगल में हम भी बैठ जाएंगे, तो वो भी थोड़ा खिसक करके बैठ जाएगा, अब लड़ने वाले तीन हो जाएंगे। चोर इतने इकट्ठे हो गए हैं लोकतंत्र में कि कई बार इंसान ही भ्रमित हो जाता है, और जो बाहर खड़े लोग हैं उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि भाई टिकट जब रेलवे ने काट करके दिया है तो रेलवे को पता है कि दो बॉगी से ज्यादा लोगों को टिकट हमने दिया है, तो तुम यहाँ लड़ने की बजाय सारे लोग मिलकर के स्टेशन मास्टर के पास जाओ और उसको बोलो कि इसमें एक्स्ट्रा बॉगी लगाओ, अगर नहीं लगाते हो तो टिकट वापस करो। लेकिन ये तो डगर बहुत लंबी है और मुश्किल है, क्योंकि हमको सिखाया गया है भगत सिंह होना चाहिए, 23 मार्च को उन्हें माला चढ़ाना चाहिए, लेकिन खुद कभी भगत सिंह नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही मुझे एक आदमी, मैं अपने ट्रोलरों को पढ़ता हूँ, मैं इसलिए पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि पढ़िएगा, इसलिए कि वो अकाउंट नकली होता है, वो व्यक्ति नकली नहीं है, कोई कंप्यूटर बैठ करके आपको गाली नहीं दे रहा। मैं उसको पढ़ता हूँ और कई बार कोशिश करता हूँ उसे इंगेज हो, क्योंकि वो जो कंटेंट है वो समाज का कंटेंट है। ये बात आप मत समझिए कि ट्रोलर चूंकि बोल रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है, पैसा देकर के बोल रहे हैं, इसलिए इस कंटेंट का भी कोई महत्व नहीं है। चाय की दुकान पे, सब्जी के मार्केट में, बस में, ट्रेन में, उसी भाषा में बात होती है। आप जाकर के देख लीजिए बनारस, हम लोग तो विरोधी हैं ना मोदी जी के, फिर भी मोदी जी कह रहे हैं ना, बनारस में जो उनको वोट भी दिया है ना वो भी मोदिया कहता होगा, मोदिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप यह अनुभव कर लीजिए, जिस जनता को हम चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, पहले जरूरी है कि हम उस जनता के साथ जुड़े, और उस जनता से जुड़ने के लिए सबसे पहला माध्यम जो है वो है भाषा, और दूसरा कि ये मानना हम छोड़ दें कि हम ज्ञानी हैं, क्योंकि उसको तो अज्ञानता के आनंद लोक में डाला गया है, उसको तो लगता है कि मूर्ख रह करके भी हम नेता हो सकते हैं, क्योंकि हम पहले भी मूर्खों को नेता बनाए हैं, कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं कि पहली बार बनाए हैं। तो एंटी इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो है उसके भीतर डाल दिया। और तीसरी बात, आपके ही संस्थान में आपके बगल में जो बैठा हुआ इंसान है उसको मोदी और राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है, उनको दिक्कत ओम थानवी से है कि ये कब छोड़ करके जाएंगे हम एडिटर बन जाए, और यदि ये मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो ऑटोमेटिक वो मोदी का समर्थक बन जाता है। ये जो समाज के अंतर विरोध है, इस अंतर विरोध को समझना बहुत जरूरी है, और जिसको हम भक्त कहते हैं उस भक्त से भी कम्युनिकेट होना जरूरी है, क्योंकि उसके साथ दिक्कत ये हुआ है, उसको आपने भक्त ब्रांड कर दिया है, उस वक्त वो अच्छा दिन के झांसे में आ गया, बहुत सारे लोग आ गए थे, इतना अच्छा बढ़िया, कोई अगर आपको कहे कि महंगाई कम होगी, 15 लाख आपके खाते में आएगा, तो आप कोई भी समझदार आदमी कहेगा ना कि हाँ तो बहुत बढ़िया, इसी को वोट दे देते हैं, वैसे भी कांग्रेस क्या कह रही थी, क्यों नहीं लोग वोट देते। लेकिन वोट दे देने के बाद उसकी मजबूरी ये हो गई है कि उसका पर्सनल और पॉलिटिकल अलग नहीं है,
क्योंकि वो बड़े संस्थान का पत्रकार नहीं है, उसके पास ट्विटर का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है जहां वो कह दे कि मेरे व्यक्तिगत विचार है, संस्थान के विचार नहीं है। उसको तो जनता वैसे ही देख रही है, जनता उसको कहती है, क्योंकि वो झंडा लेकर के घुमा था चुनाव प्रचार में, तो उसको कहती है मजा आ रहा है 84 रुपए पेट्रोल खरीद करके, तो उसको लगता है कि हम ट्रोल हो रहे हैं, समाज में भी लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, संवाद नहीं हो रहा है। और इस मजबूरी में फिर वो क्या कर रहा है कि हर गलत सही फैसले को वो समर्थन कर रहा है। मैं समझता हूँ उससे भी बात करने की जरूरी है, और लोकतंत्र अगर डिसेंट की हम बात कर रहे हैं तो कोई भी कितना विरोधी क्यों ना हो, उसको अपना विचार प्रकट करने का अधिकार लोकतंत्र के अंदर होता है। और लोकतंत्र का मतलब बहुसंख्यक बात नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब वो आखिरी व्यक्ति जो आपसे असहमत है उसके भी विचारों को उस व्यवस्था में जगह देना होता है, ये लोकतंत्र होता है। अगर इस परिस्थिति इस मानसिकता के साथ हम डिसेंट को वैल्यू करना शुरू करते हैं और लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई की मुहिम में जाते हैं, तो जनता को ये समझाना पड़ेगा कि अच्छे दिन के वादे के लिए यदि आपने वोट कर दिया, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप प्रधानमंत्री के हर उलझुलू बात का समर्थन करें। और आप एक मुद्दे के तहत उनका समर्थन किए थे, जब वो मुद्दा भूल गया है तो आप उसका नाम क्यों जप रहे हैं, आप भी उसको भूल गए। ये बुनियादी चीज अगर हम करने में कामयाब हो जाए तो हम लोकतंत्र को बचा सकते हैं, और मुझे तो बहुत उम्मीद है, पता नहीं इतना आशा लाते कहाँ से है, वैसे भी निराश होकर भी कर कह देंगे। इसीलिए जब आप कह रहे थे राजदीप साहब की हाथ उठा लिया है सब बेंगलोर में ऐसे करके, तो मुझे भी लगा कि ये पूरा का पूरा ऑपोजिशन शपथ ग्रहण के तुरंत बाद दो बस जैसे, इतना तो कांग्रेस को क्राइसिस थोड़ी हो गया होगा पैसा का, वहां तो और भी लोग थे, थोड़ा तो लेफ्ट वाला भी मदद कर देता है, दो तीन बस ले लेते क्योंकि लेफ्ट भी वहां मौजूद था ना, दो तीन बस का जुगाड़ करते, और बेंगलोर से तुतीकोरिन बहुत दूर है नहीं, तो वहां से जो लोग चले जाते तुतीकोरिन। दिक्कत यही है कि आप एक साथ एक मंच पे तो आ गए, हाथ भी उठा लिए, लेकिन तुतीकोरिन में 12-13 लोग मर गए, एकदम ट्विटर पर दे दनादन ट्वीट किए जा रहे हैं, लेकिन 200-400 किलोमीटर आप बस लेकर के उनके घरों पर नहीं जा सकते, ये दिक्कत है। आप चाहेंगे कि परसेप्शन की लड़ाई परसेप्शन के गेम में लड़ा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और इतनी जो निराशा आज है खास करके हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके बीच में, उसकी खास वजह यह है कि हम समाज में घूमना बंद कर देंगे। एक आखिरी कहानी सुना करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। गोरखपुर के एक गांव के बारे में एक मित्र बता रहे थे, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और बोला कि ये जो है ना आडवाणी, देखो इसको यही नरक मिला है। तो बोला कि काहे नरक मिला है भाई, तो बोला कि जो है अल्लाह का घर तोड़ दिया है। तो बोला कि अल्लाह का घर तोड़ दिया तो जो है उसमें नरक उसको काहे मिलेगा, वो तो जो है हिंदू है, वो तो फिर उस हिसाब से तो उसको उसमें जाना दोजख में जाना पड़ेगा ना, दोजख अलग है, नरक अलग है, जन्नत अलग है, स्वर्ग अलग है, हेवन अलग है, हेल अलग है। तो बोला नहीं तुम नहीं जानते, ऊपर में अल्लाह और राम का घर बगल में है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा पड़ोसी से तुम्हारा कितना भी लड़ाई हो, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के घर में कोई आग लगा देता तो तुमको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, यही बात तो सही। तो बोला राम जी दुखी हो गए कि तुम जो है मेरे पड़ोसी अल्लाह का घर कहे तोड़ दिए, तो देखो उसको यहीं पे नरक मिला। जनता ऐसे सोचती है और आप कहते हैं कि कम्युनलिज्म आ गया है। अरे कम्युनलिज्म आया है, जैसे सेकुलरिज्म नहीं आया ना, वैसे ही कम्युनलिज्म भी नहीं आया है। थोड़ा समाज में जब जाएंगे ना, तो समाज में आज भी गंगा जमुनी तहजीब एग्जिस्ट करती है, इस बात को आप मानिए। लाल किला से खड़ा होकर के कंटेंट देता है प्रधानमंत्री खुद ही। आपकी जो जनता है जिसको आप साइलेंट मेजोरिटी कह रहे हैं, उसको कोई कंटेंट देने वाला नहीं है। अब उसको कंटेंट कौन दे? उसको कंटेंट देना शुरू कीजिए, नहीं तो वो अपने कंटेंट से भी लड़ रहा है। ऐसा नहीं है, जितना कंटेंट उसके पास है उसके हिसाब से वो लड़ रहा है। मैं इस बात से असहमत हूं जो भी बाकी लोग कह रहे थे, बेशक ऑपोजिशन के सारे नेताओं को जाना चाहिए था तुतीकोरिन, लेकिन मेरा मानना है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना भी जरूरी है। लोकतंत्र में यदि चुनाव नहीं जीतेंगे, नहीं तो फिर आपके सवालों को सुनने के लिए
आपको या तो तूतीकुरिन की तरह मरना पड़ेगा, नजीब की तरह गायब होना पड़ेगा, या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए लोकतंत्र में जीतना जरूरी है। और आज जब ऐसे दौर में हम हैं जहां अच्छे का चुनाव करना आपके पास विकल्प है ही नहीं, इसलिए साफ हो जाइए, जनता बिल्कुल साफ है, उसको मालूम है कि हम चाय बेचते हैं, हमको चाय ही बेचना है, हम पढ़ते हैं, हमको पढ़ना ही है, हम झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू ही लगाएंगे, किसान हैं, किसानी ही करेंगे, चुनाव जीत करके कोई भी आ जाए मेरे जीवन में बदलाव नहीं होना है। लेकिन वो इतना जरूर करती है कि वो भी हमारी आपकी तरह से डिस्ट्रिक प्लेजर लेती है। जब वो 5 साल परेशान होती है ना, वो लगता है कि इसकी वजह से परेशान होती हुए हैं, तो उसको हरा देती है। वो इतना सोच करके नहीं जाती है कि कौन कम्युनल है, कौन सेकुलर है, वो इतना सोचती है कि सरकार को वोट दिया था या सरकार अच्छा कर रही है इसलिए इसको रखेंगे, इस सरकार को वोट दिया था या सरकार अच्छा नहीं कर रही है इसलिए इसको हराएंगे। जनता जिस तरीके से युग में सोचती है, हमको भी कई बार चुनाव को लेकर के युग में सोचना पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, 24 कैरेट के चक्कर में ना पड़ के किसी भी तरह से हमको इनको 2019 में हराना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम नहीं हराए हैं तो फांसीवाद का चौक स्वाद जनाब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को भी देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा।